तो हाय व्यूअर्स, आज पोको ने X3 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। मैं ये वीडियो लॉन्च करने से पहले बना रहा हूँ, इसलिए मैं द प्राइस के बारे में मुझको नहीं पता है, और पर जो भी प्राइस होगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ कमेंट अपडेट कर दूंगा। तो इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक प्लीज़ कीजिए, कारण ऐसा करेंगे तो मेरे मनोबल बहुत ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, तो पूरी डिटेल्स जान लेते हैं आज पोको X3 का। और ये फ़ोन रीब्रांडेड नहीं है, पोको का M2 Pro ये सब रीब्रांडेड था, बट ये फ़ोन रीब्रांडेड नहीं है, बहुत ही अच्छा बात है। पोको X3 का डिस्प्ले है 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है, और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्लेक्स रेट है। सचमुच बहुत ही अमेजिंग और स्मूथ और बड़ी डिस्प्ले है, और 244 हर्ट्ज का टच स्लैमिंग रेट्स के साथ ये फ़ोन आता है, और HDR 10 प्लस का सपोर्ट है। और इसका बेस वेरिएंट की बात कर लेते तो 664 में ये बेस वेरिएंट आता है, और इसका हायर वेरिएंट है 6128। और इसका रैम सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, LPDDR4X रैम और UFS 2.1 स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आता है। और इसमें कुछ हाईलाइटिंग फीचर की बात करें तो हर इम्पोर्टेंट सेंसर इस फ़ोन में दे दिया है, और गोरिल्ला ग्लास 5 एंड्रॉयड 10 के साथ ये फ़ोन आता है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, साइड माउंटेड है ये फ़ोन। और इसमें बैटरी है जो 5160 mAh की बैटरी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी बैटरी कैपेसिटी है, और 33 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट के साथ ये फ़ोन आता है। और ये वर्ल्ड का ऐसा एक फ़ोन है जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आता है, बहुत ही अच्छा, 2.3 GHz के ऊपर ये फ़ोन बेस्ड है, बहुत ही अच्छा और अच्छा प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आता है। और इसके कैमरे की तरफ हम बढ़ते हैं तो सेल्फी दे दिया है, 20 MP का सेल्फी दे दिया है 2.2 के एपर्चर के साथ, इसमें पोर्ट्रेट ब्यूटी एक्सेट्रा आप सब कुछ कर सकते हैं। और इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 MP का सोनी का 686 वाला सेंसर के साथ आता है, और इसमें 1.78 का एपर्चर के साथ आता है। और इसमें 13 MP का और एक कैमरा दे दिया है, जिसमें 1190 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। कैमरा इसका बहुत ही मज़ेदार है, और इसमें 2 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का डेप्थ के साथ ये फ़ोन आता है। और इसमें 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, नाइट मोड है, नाइट स्किप है, प्रोटेट ब्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पोको X3 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर और अच्छे कैटेगरी में शायद आता है। इसमें इसका बेस वेरिएंट जो 664 है, शायद मुझको ऐसा लगता है 20,000 रुपये के साथ आता है, तो 20,000 में आया तो थोड़ा महंगा हो, 2,000 रुपये कम में आया तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ा मोबाइल हो जाएगा। इस प्राइस में इससे अच्छा फ़ोन मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों, इस फ़ोन के लिए आपका क्या राय है मुझको जरूर से कमेंट करना, और अच्छा लगे तो इस वीडियो का लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना, करना शेयर से ये वीडियो को ऐसा डिटेल्स हर लोगों के तरह पहुँचेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।